हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुल्फी बना रहे हैं। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। आप इससे मटका मलाई कुल्फी, पान कुल्फी, मैंगो कुल्फी, केसर पिस्ता कुल्फी बना सकते हैं। आज हम ड्राई फ्रूट्स कुल्फी बना रहे हैं। ये मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। इसे हम सिमर करेंगे 30 मिनट्स के लिए। इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे 30 मिनट्स के लिए। अब हमारा दूध बॉईल हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इसे कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ। इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। इसके लिए हमें थोड़ा थिक पैन लेना होता है। आप देख सकते हैं मेरी मिल्क बॉईल हो रहा है और इसलिए मैं इसे कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ। मैंने इसके लिए चॉप्ड नट्स तैयार करके रखे हुए हैं। मैंने काजू एंड आलमंड लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से काजू, बादाम, पिस्ता कोई भी नट्स ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। वन एंड हाफ लीटर मिल्क के लिए मैं इसमें 1/3 कप शुगर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं 1/3 कप शुगर है ये। मैंने शुगर कम ली हुई है क्योंकि मैं इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके घर में कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी 1/3 कप ऐड कर सकते हैं। ये इलायची पाउडर ली हुई है मैंने। 1/2 टीस्पून से भी कम इलायची पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
उन्हें बिल्कुल स्टिर करते रहना है। अच्छे से इसमें उबाल आना चाहिए। हमने ये केसर मिल्क बनाया हुआ है, थोड़ा सा देखिए आप इसे कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे इस केसर मिल्क को। इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है। हम अब इसमें हाफ कप मिल्क में डालेंगे, 1/3 कप है तो मैंने इसका हाफ कप लिया हुआ है। अब हम इसमें चॉप्ड आलमंड्स डाल देंगे, नट्स जो भी हमने कट करके स्लाइस करके रखे हुए थे वो हमने ऐड कर लिए हैं। मैं इसमें और थोड़ी इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ।
मैं इसमें हाफ कप शुगर और ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी से आपको पता चल रहा होगा। हमें इसे और सिमर होने देना है उस टाइम के लिए। ये दूध जितना गाढ़ा होगा उतना ही कुल्फी खाने में मजा आएगा। ये कुल्फी मिक्सर ठंडा होने के बाद हमने इसमें 5 to 6 ड्रॉप वैनिला एसेंस डाला था और हम इसे मिक्स करके। हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमने ये कुल्फी कुल्लड़ों में सेट करके रखी थी। इसे हम अब 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे ओपन करके देखेंगे किस तरीके से ये कुल्फी सेट हुई है। वाह, इसका टेक्सचर, कलर एंड ऑल देख के ही मुंह में पानी आ जाए। इस तरीके से आप कुल्फी घर के घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसका टेक्सचर देखेंगे किस तरीके का है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो चुकी है।